अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, जिनको हमने फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे, उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताएंगे। इस वीडियो में के एंड में मैं आपको 5 एक्सरसाइजेस बताऊँगा, जिसमें इंशाल्लाह ताला मिनिमम 4 लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट आएंगे ही आएंगे हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथमेटिक्स का पेपर देना है और जो हमारी पहली वीडियो देख चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद थे, उनके लिए वीडियो है। और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 है बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम में आपने सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 करनी है, जिसका पेज नंबर है 208, और एग्जाम्पल नंबर 7 है जिसका पेज नंबर है 212। उसके बाद एक्सरसाइज है 7.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, 14 और 15 आपने प्रिपेयर कर लेना है। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 9, 10, 11 आपने प्रिपेयर करने हैं, और इनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 7.2 में, वो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। फिर आते हैं 7.3 के ऊपर। एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 है, 10 है, 11 है, 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इन चारों में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये आपने लास्ट 4 से 5 क्वेश्चन मस्ट करने हैं, ताकि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है और 8 है, जो कि आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन एंड लिमिट में सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 4 में डोमेन और रेंज करनी है, 5 और 6 में आपने इनवर्स कैलकुलेट करना है। एक्सरसाइज 8.2, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ग्राफ से रिलेटेड, वो आपने सिर्फ प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 4। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, और रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9 और 10 प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर है 9, लीनियर प्रोग्रामिंग। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 9.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 9.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 करना है। इन चारों में से एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और रिव्यू एक्सरसाइजेज में आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर करना है। पेज नंबर 286 के ऊपर है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, मस्ट प्रिपेयर करना है। इस बार बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे। एग्जाम्पल 5 और 6 आपने करनी है, पेज नंबर 293 के ऊपर है। 10.1 में 7, 8, 10, 11, 12, 13 से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और 7, 8, 10 में से शॉर्ट क्वेश्चन आने के कभी इम्कानात हैं। एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपने प्रिपेयर करने हैं, और 7, 8, 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 22 और 23 आपने करनी है, पेज नंबर 306 और 307 है। एक्सरसाइज 10.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने प्रिपेयर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है इस बार, और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 आपने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10। एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। एक्सरसाइज 11.3, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। एक्सरसाइज 11.4, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इस चैप्टर में जो प्रूव्स हैं वो आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं,
खास तौर पर साइन अल्फ़ाबेट 2, कॉस अल्फ़ाबेट 2, टेन अल्फ़ाबेट 2 और हीरो फार्मूला, वो आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ग्राफ वाला, 12.4 में आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है, 12.5 में 8, 7 और 6, एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 6 लॉन्ग क्वेश्चन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक्सरसाइज 12.6 क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। अब हम आते हैं वो एक्सरसाइजेस जहां से इन 6 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है 7.3, इसके लास्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2, लास्ट 4 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.2 आपने प्रिपेयर करनी है। चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 12 चैप्टर में से 12.5 और 12.6 आपने प्रिपेयर करने हैं ताकि लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आपका आसानी से प्रिपेयर हो जाए। तो अब हमारी ये सेकेंड वीडियो थी जिसमें हमने लास्ट सेक्शन किया था फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा थे इसलिए उसको हमने वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहली वीडियो में हमने आपको फर्स्ट 6 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे और इस वीडियो में हमने आपसे 7 से लेकर 12 चैप्टर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। और ये क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा, पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा और हमें कमेंट्स में फीडबैक भी दीजिएगा कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हुए हैं या नहीं हुए। तो इसी के साथ मेरी यही दुआ है कि आपका ये पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो और आप अपने मतलूबा नतायज हासिल कर सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।